चैप्टर नेम देखो कंस्ट्रक्शन है। सो आप इस चैप्टर के एम सी क्यू सॉल्व करांगे ते इहदे कुछ रिजल्ट भी है जिहड़े कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है वह भी आप सॉल्व करांगे ते आपां इहदे एम सी क्यू 15 एम सी क्यू है जिहड़े सॉल्व करने हैं। सो फस्ट देखो अपना की है, प्रोटैक्टर इज यूज फॉर मेजर, कि जो प्रोटैक्टर है प्रोटैक्टर ये वाला उहनूं की मेजर करने लई आपां वरतदे हैं। प्रोटैक्टर नूं पंजाबी च कहिंदे आ प्रकार, ठीक है, ते सही प्रकार ने डी कहिंदे आ, ठीक है, जो इस तरह बनी हुंदी है। ते प्रोटैक्टर नूं डी कहिंदे आ, कंपास नूं कहिंदे आ पंजाबी विच प्रकार, ते रोलर नूं कहिंदे आ जां स्केल, रोलर नूं स्केल कहिंदे आ, ठीक है, कुछ इस तरह के नाम है। सो जिहड़ी अपनी प्रोटैक्टर हुंदी है, मीन जो डी हुंदी है, उहनूं आपां की मेजर करन लई वरते हैं। फस्ट ऑप्शन लेंथ है, सैकेंड ऑप्शन एंगल, थर्ड ऑप्शन एरिया, फोर्थ ऑप्शन की है ऑल ऑफ दीज। सो जिहड़ी लेंथ है वह आपां मेजर करते हैं स्केल दे नाल, ठीक है, जो एंगल है वह आपां मेजर करते हैं प्रोटैक्टर दे नाल। सो ऑप्शन बी अपना की दा आंसर है। ओके, सेकंड देखो, द एंगल बायसैक्टर डिवाइड द एंगल इनटू, जो भी एंगल का बायसैक्ट हुंदा है, बायसैक्टर मीन अद्ध, ठीक है, अद्ध हुंदा है कि मीन देखो एंगल इस तरह, तो यह हो गया बायसैक्टर। इतने जो बायसैक्टर आ गया, बायसैक्टर विच आप एक होर एंगल बनाता जिहड़ा आ एंगल बनया इन्ना, इस एंगल की है बायसैक्टर है, आ वाला की है इहदा बायसैक्टर। सो चेक करने वाला बायसैक्टर है उस इस एंगल नूं किहदे विच डिवाइड करता है। फस्ट ऑप्शन की टू इक्वल एंगल, देखो जो इस एंगल ने यह बायसैक्ट करता आ दोनों एंगल की है सेम ही होंगे, है ना, आ दोनों एंगल। सो फस्ट ऑप्शन सही है, टू कॉन्ग्रेंट एंगल, कॉन्ग्रेंट मीनस बिल्कुल सेम, जोड़े दो एंगल बने होगी पूरी तरह सेम हो, जिनी लेंथ इतने उन्नी लेंथ इतने है, एंगल सेम ही सेम है, जे एंगल सेम है तो वो जी लेंथ भी सेम ही होगी, जे लेंथ सेम होगी तो वह की कॉन्ग्रेंट भी हो गए। तो ऑप्शन सी की है बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी अपने का की है आंसर है। सो रिजल्ट है याद रखना कि एंगल बायसैक्टर है वो एंगल डिवाइड करता है इक्वल एंगल एंड कॉन्ग्रेंट एंगल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, डिवाइडर इज यूज फॉर, डिवाइडर हुंदा कुछ अपना इस तरह जिहदे दोने साइडां ते प्रकार वांगू तिखी नोक लगी हुई ना कुछ इस तरह, ठीक है, तिखा दोने पासे प्रकार वांगू तिखी नोक लगी हुई है, तो उन्होंने आप यूज करते हैं। ऑप्शन देखो, तो पहली ऑप्शन छड़ दो, दूजी ऑप्शन देखो, मेजर द लेंथ, लेंथ आप लेंथ वास्ते आप मेजर करते हैं स्केल, ठीक है, मेजर द एंगल, एंगल मेजर करने वास्ते आप वरते हैं प्रोटैक्टर, ठीक है। सो बचा की ऑप्शन नंबर ए, सक्राइब द, सक्राइब टू सर्कल, मीन जो डिवाइडर है ये वाला, इनू आप सर्कल की शेप बनाने वास्ते, सर्कल की शेप सक्राइब करने वास्ते यूज करते हैं। सो ये अपने की है आंसर। ओके, हाँ जी, सम नंबर फोर देखो, इफ टू रे मीट एट ए वन पॉइंट दैन डैश फॉरवर्ड, मीन देखो जिथे टू रे आपस में मीट कर दी है किसी एक पॉइंट से, रेत देखो क्या रेत हों की है, रेत की होंगे वो लाइन होंगी जो स्टार्टिंग पॉइंट हो बट एंड पॉइंट ना हो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हो बट एंड पॉइंट ना हो, एक रे इधर एक रे उपर कर दो, ठीक है। सो दोनों इस पॉइंट से मीट कर गए, सो जिते दोनों रेत मीट कर गए उत्थे की बन जाता है, उत्थे अपना बन जाता ये वाला एंगल, ठीक है। सो ऑप्शन बी अपना की आंसर है। सो जिथे पॉइंट से मीट कर दें, इस पॉइंट को आप कहने वर्टेक्स, तो इन्हों दोवों कहने आप आर्म्स, ठीक है, इन्होंने कहने आप आर्म्स। ओके, सो सम नंबर फाइव देखो, लाइनस डैट डू नॉट इंटरसैक्ट एंड आर नॉट पैरलर, सो लाइन दसियां जिहड़ियां ना तो इंटरसैक्ट कर दें तो ना ही पैरलर होंगे, उन्होंने लाइनों आप की कहने हैं, ऑप्शन ए इंटरसैक्टिंग, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर, ऑप्शन सी सिक्योर लाइन, ऑप्शन डी पैरलर लाइनस, ठीक है।
सो देखो ये सवाल आप ऑप्शन के विचों सॉल्व करेंगे। इंटरसैक्टिंग लाइन कड़ी है जी आपस मीट कर जा, बट क्वेश्चन गल हुई है डू नॉट इंटरसैक्ट, सो ऑप्शन ए भी कट कर गई। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वो होंगे जो दो लाइन आपस में नाइनटी का एंगल बना इस तरह, ठीक है। बट एंगल बनाने वास्ते भी इन दोनों लाइनों आपस में इंटरसैक्ट करना पेगा, ठीक है, इंटरसैक्ट करना पेगा। बट क्वेश्चन के देखो की है डू नॉट इंटरसैक्ट, सो ए ऑप्शन की है कट होगी। सो ऑप्शन सी छोड़ो, ऑप्शन डी देखो पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कि होंगे वो लाइन जो आपस में मीट नहीं करती, जिम्मे किस तरह चली जा इस तरह, ठीक है। बट क्वेश्चन गल की हुई है नॉट पैरेलल, सो ऑप्शन डी भी की है रिजेक्ट होगी। तो बचा कि ऑप्शन सी अपने की है आंसर है, ओके। सो ये डायग्राम किस तरह होगी देखो भी कि एक लाइन इस तरह होगी, एक लाइन इस तरह होगी बस। सो जी ये डायग्राम बनी है ना प्रॉपर, ये स्क्यू लाइन्स है, स्क्यू लाइन्स, ठीक। सम नंबर सिक्स देखो, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट इज बेस, कि आपने एक ट्राइंगल बनानी है तो ट्राइंगल भी सिर्फ अपने एक बेस ही बना है, मीन अपने को एक साइड की बना ट्राइंगल की, ट्राइंगल सिर्फ एक साइड की बना। सो दसना कि आप ट्राइंगल बनाने वास्ते आप चार ऑप्शनों में कौन चीज़ की लोड़ पेगी। सो रिजल्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट बेस एक सवाल पेपर च आ चुके हैं, ठीक है। सो फस्ट ऑप्शन की है बेस एंगल, एक तो अपना एंगल चाहिए बेस का, एंड सम ऑफ अदर टू साइड, ठीक है, फस्ट ऑप्शन ये है। सैकेंड ऑप्शन बेस एंगल चाहिए एंड डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड, कि अपने को बाकी दोनों साइडा की डिफरेंस चाहिए। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सो एक रिजल्ट ही है, रिजल्ट याद रखना ट्राइंगल बनाने वास्ते एक तो अपने को बेस की बनाए, नहीं कोई एक साइड है नहीं, वन साइड गिवन हो, एंड एक एंगल गिवन हो, एक एंगल गिवन हो भी बेस वाला, ठीक है, जो बेस के उपर बनता हो भावें ए बने भावें बी से बने कि मर्जी बनता हो पर बने कितने बेस के उपर ऑन बेस। सो थर्ड कंडीशन की है देखो, जो ट्राइंगल बनाने जरूरी है, ट्राइंगल बनाने एक मान लो अपने अपने को ट्राइंगल तीन साइडा ए बी सी, ए बी गिवन है, सो रिजल्ट की बन जाऊ सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड, कि ट्राइंगल दिया दोनों साइडा का प्लस तीजी साइड के नालों हमेशा की है ग्रेटर होगा, ये रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट में एक होर तरीके रीप्रजेंट कर देने हैं, एक मिनट देखो आप इन लिखना किमें है, कि मान लो कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर दैन ऑलवेज ए सी, इन आप लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब दो साइडा प्लस तीजी साइड तो हमेशा ग्रेटर होगा, भावें ए लो ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर दैन बी सी, तो भावें ए लिख लो ए बी प्लस इत बी सी लिखो बी सी प्लस ए सी ग्रेटर दैन ए बी, मतलब ट्राइंगल बनने वास्ते तिने कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। जो फिर एक होर कंडीशन है इतने सम पाए ना, इतने वो डिफरेंस बटवीन टू साइड सम ग्रेटर होंगे डिफरेंस की है लैस तो यू छोटा लैस दैन थर्ड साइड, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट याद करने, ये दोनों रिजल्ट कदों लगनगे जो अपने को एक बेस होगा एक अपने को बेस का एंगल होगा, तो इनू लिखना किमें है ए बी माइनस बी सी लैस दैन ए सी, या फिर ए सी माइनस ए बी लैस दैन बी सी, बी सी माइनस ए सी लैस दैन ए बी, ये तीनों रिजल्ट की ट्रू होने चाहिए, ठीक, ट्राइंगल बनती तो, ओके। सो देखो सम नंबर सिक्स करके तो कि ट्राइंगल बनने वास्ते अपने को एक बेस हो बेस का एंगल हो दोनों मिल रहा है, तो यह सम भी गिवन है इस डिफरेंस गिवन है, तो दोनों ऑप्शन मिल रही ऑप्शन नंबर सी। सो ये अपना की
आंसर है। सो इन्हें सिर्फ अपन यही क्या है, बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड, बेस एंगल डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड, क्योंकि इन्हें सिर्फ ट्रैंगल बनाने की गल की है। तो आप जी गल की फॉर्मूले ला के ट्रैंगल नू चेक कर, ट्रैंगल नू चेक करने की गल की है, ठीक है। ठीक है, सो ऑप्शन सी अपना यदा की है आंसर है। ठीक, हिस्सा नंबर 7 देखो, विच ऑफ फॉलोइंग एंगल कैन बी कंस्ट्रक्ट बाय रोलर एंड कंपास। सो दसना है स्केल ते कंपास दी हेल्प दे नाल आपां केड़ा केड़ा एंगल बना सकते हैं। सो रोलर एंड कंपास दी हेल्प दे नाल जिहड़े एंगल बनदे नोट कर लो, एक बन 30 डिग्री, एक बन जांदा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105, 120, ठीक है, ते 135, 150 ते 180 मेन तो ये एंगल बन जाते हैं। फिर उस तो बाद इन्हों एंगलों के बायसैक्टर भी बन जाते हैं, 30 ते 45 का अद्ध भी बन जाता है, 45 60 का अद्ध भी बन जाता है, 60 ते 75 का अद्ध भी बन जाता है, 75 ते 90 का अद्ध भी बन जाता है, 90 ते 105 का अद्ध भी बन जाता है, ते इन्हों सारे दे बायसैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, बायसैक्टर मीनस कह लो जिवें कि 75 ते 90 का बायसैक्टर कितना होगा, 75 प्लस 90 बटा 2 ये आ जाऊगा अपना 165 बटा 2, मतलब इन 84.5 भी लिख सकते हैं, मीन 84.5 का एंगल इन्हों दोवें एंगलों की आप बायसैक्टर करिए 84.5 का एंगल बन जाता है कंपास नाल। सो मेन आप वाले एंगल याद करने हैं कि कंपास नाल बन जाते हैं, कंपास मीन प्रकार नाल। सो उन्हें पूछा कि कौन सा एंगल बन जाता है कंपास नाल, सो सिंपली आपको ऑप्शन सी 90 डिग्री चो मिल रहा है। ठीक, सम नंबर 8 देखो कि अपने को ट्रायंगल दी साइडा क्यों है, इस तरह ए बी सी। सो दसना ट्रायंगल बनाने वास्ते कि कंडीशन सैटिस्फाई होगी, उही गल जी पहला की है आप कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड, या डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज ऑलवेज लैस दैन थर्ड साइड। सो देखो फस्ट ऑप्शन कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड, ये भी ठीक है, इतने की डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज ग्रेटर दैन थर्ड साइड, सो ये गलत है, तो आप दोनों ऑप्शन गलत है। सो इट मीन ऑप्शन नंबर ए अपना की आंसर है। सो ए ऑप्शन सही किमें बननी सी कि डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज लैस दैन थर्ड साइड, ये सही ऑप्शन ही सी। जदों प्लस की गल करा सम की गल करा वो की है ग्रेटर होजूगा, तो डिफरेंस की हमेशा लैस होजूगा, ये दोनों ही गल् याद रखनी है। ठीक है, सम नंबर 9 देखो, विच लेंथ कैन बी साइड ऑफ ट्रेंगल। सो दसना है इन्हों चार ऑप्शन तिना ऑप्शन कि ट्रेंगल बनूगी, सो ट्रेंगल चेक करना हो अपना उ रिजल्ट जो पहला किया ना सम नंबर 8 ये लगावे, तो तिने मतलब जो आप तिने रिजल्ट चेक करने हैं। ठीक है, सो देखो इस तरह है, सो पहली ऑप्शन ट्रेंगल बनती है 2 है 4 है 1.9 है, आप गल की थी सम ऑफ टू साइड, इनू ए मनो इनू बी मनो इनू सी मनो, ए प्लस बी ग्रेटर दैन सी, तो इनू ए प्लस सी ग्रेटर दैन बी, ए प्लस सॉरी बी प्लस सी ग्रेटर दैन ई, ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सो आप चेक करते हैं सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड, सो आप पहले इन्हें दोनों ऐड करते हैं, तो 2 + 1.9 ये होगा 3.9, सो 3.9 इज नॉट ग्रेटर दैन 4, मतलब जो 3.9 है 4 तो व्डा है नहीं गा, तो जो 4 तो व्डा है नहीं इट मीन फस्ट ऑप्शन अपनी ट्रेंगल नहीं बननी। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखो ट्रेंगल दे विच अपने गिवन की है 1.6 3.7 5.3, पहले आप इन दोनों ऐड करते हैं 1.6 प्लस 5.3 ये होगा 6.9 इज ग्रेटर दैन 3.7, चलो इन दोनों का प्लस तो ये तो वड्डा हो गया, हम आप इन दोवें चेक कर लें कि 1.6 प्लस 3.7 बन गया 5.3, हम 5.3 इज नॉट ग्रेटर दैन 5.3, मतलब इन दोवों का प्लस ये तो वड्डा होवे, इक्वल ही आ गया, इक्वल आना नहीं चाहिए,
सो इट मीनस ए ऑप्शन भी अपनी की होगी रिजेक्ट। हम तीजी ऑप्शन चेक कर दे पा, देखो ट्रायंगल है 5.5, 6.5 ते 8.9, ठीक है, इनू ए मनो, इनू बी मनो, इनू सी मनो। अपना फॉर्मूला की है ए प्लस बी ग्रेटर दैन सी, फिर चेक करना बी प्लस सी ग्रेटर दैन ए, फिर चेक करना जी बी सी प्लस ए ग्रेटर दैन बी। ये तीनों कंडीशन चेक करनी है। पहला ए प्लस बी चेक करो, 5.5 प्लस 6.5 ये बन गया 12, ये 12 ग्रेटर है 8.9 तो चलो ये ट्रू होगी। फिर बी प्लस सी चेक करो, 6.5 प्लस 8.9 15.4 ग्रेटर है जी ए नालो 5.5 नालो, चलो ये भी ट्रू हो गया। फिर ए प्लस सी आ जाओ, 5.5 प्लस 8.9 14.4 है, 14.4 भी ग्रेटर है 6.5 नालो। लो जी ये ट्राइंगल की तीनों साइडा इस तीनों कंडीशन सैटिस्फाई कर दी हैं, ठीक है। जे तीनों कंडीशन सैटिस्फाई कर दी हैं तो फिर ये बन गई अपनी ट्राइंगल दियाँ साइडा बन गए। सो ये ऑप्शन सी अपना की आंसर है। ओके हाँ जी, सवाल नंबर 6 देखो कि अपने को ट्राइंगल दियाँ साइडा क्यों होना 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो दसना है ट्राइंगल कि बनूगी, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटर के ऑल ऑफ अबव। सो देखो तीनों साइडा सेम है, सो जिन्हें तीनों साइडा सेम होना वो बन जाती है इक्विलेटर ट्राइंगल। सो ऑप्शन सी अपने का की है आंसर। स्केलन ट्राइंगल वो होंगी है जिसे कोई भी साइड सेम ना हो, 3 है 4 है 5 है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होंगी जिसे दो साइडा सेम हो, 4 4 तीजी कोई मर्जी मान लो 5, ठीक है। एक होंगी इक्विलेटर ट्राइंगल, एक होंगी राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल कैसी होंगी है जिसे एक एंगल कितना हो 90 डिग्री का, ठीक है। ये बेस होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे, ये हाइपोटेनस होंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम की होती है हाइपोटेनस द स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, ठीक है। एक ये गल याद रखनी है, एक ये एक गल याद रखनी है कि हाइपोटेनस है वह सारिया साइडा तो की है ग्रेटर होंगे। ओके हाइपोटेनस की सब तो वड्डी साइड होंगी है राइट एंगल ट्राइंगल दे, ठीक। सो सम नंबर 11 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ट्राइंगल बनानी है। तो ट्राइंगल अपने अपने को गिवन की है, एक तो पैरामीटर गिवन है, तो होर आप चीज़ गिवन मतलब कि चीज़ की लोड हैगी है, कि चीज़ की नीड है। सो देखो नीड ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल पैरामीटर गिवन है। सो वो अपन होर की चीज़ है सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल डिफरेंस बिटवीन टू साइड ऑफ ट्राइंगल वन बेस एंड टू बेस, ठीक है। सो ये भी अपना रिजल्ट है NCERT जो बुक के विचों क्लास 9th है तो चैप्टर 11 जो समरी है ना वो रिजल्ट लिया गया है। सो पहले आप गल की थी सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल तो डिफरेंस बिटवीन टू साइड ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों की लोड़ कदों पैंदी है जो अपने को ट्राइंगल की कोई एक साइड गिवन हो, साइड करो या बेस गिवन हो, ठीक है, बेस वाली साइड गिवन हो, बेस वाली अपने को एंगल गिवन हो, दोनों की लोड़ पैंदी है। गल ध्यान रखनी गल कि जो अपने को ट्राइंगल का बेस गिवन हो वाला तो नाल ही बेस वाला एंगल गिवन हो उदों अपने को रिजल्ट की लोड़ पैंदी है सम ऑफ टू साइड की या फिर डिफरेंस ऑफ टू साइड, डिफरेंस कह लो ऑफ कह लो भावें बिटवीन ले लो उदो लोड़ पैंदी है, ठीक है। बट जदों को अपने को पैरामीटर गिवन होवे ट्राइंगल का, ठीक है, पैरामीटर गिवन होवे तो ट्राइंगल बनाने वास्ते उदो अपने को टू बेसिस की लोड होंगी है, टू बेसिस की। सो दोनों रिजल्ट याद रखने वाले। ओके सो इतने फिर लिख दें पहला रिजल्ट तो जो ट्राइंगल बनाने वास्ते जो अपने को बेस गिवन हो एक बेस वाला एंगल गिवन हो दोनों कोई एक चीज़ की लोड़ पैंदी है, ठीक है। दूजा रिजल्ट की है जो ट्राइंगल बनानी हो पैरामीटर गिवन हो
पैरामीटर गिवन होवे है ना उदो आपू लोड़ पैंती है टू बेसिस की ट्रायंगल की टू बेसिस की लोड़ पैंती है ठीक है। सो ऑप्शन डी अपना की है ये आंसर है ठीक। हाँ जी सम नंबर 12 देखो कि आप कंस्ट्रक्शन करनी है ट्रायंगल ए बी सी की जिद बेस गिवन है ए बी इस तरीके ना। ते बेस के उपर एंगल गिवन है ए ते 60 डिग्री दसना इज नॉट पॉसीबल विन द डिफरेंस ऑफ बी सी एंड ए सी कि दसना ट्रायंगल कदों नहीं बनेगी नॉट पाया ठीक है जो अपने को कंडीशन की है डिफरेंस बिटवीन बी सी माइनस ए सी। सो पर रिजल्ट पढ़े थे पहला भी कि सम ऑफ चलो सम बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर दैन ए बी ठीक। एक तो यह रिजल्ट पढ़िया ट्रायंगल बनने वास्ते एक आप रिजल्ट पढ़िया ट्रायंगल बनने वास्ते कि डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज लैस दैन इज ऑलवेज लैस दैन थर्ड साइड ठीक है। सो इट मीनस इत ठीक है हम ट्रायंगल बनने वास्ते इन्हों दोवों का डिफरेंस ए बी तो छोटा होना चाहिए पहली गलते बट उन्हें की है नॉट पॉसीबल इट मीन आप ऑप्शन चकांगे जी ए बी तो की है वड्डी होगी। सो ए बी तो वड्डा कौन इतने 4.5 है कि मीन जो बी सी माइनस ए सी का डिफरेंस 4.5 हो गया ना फिर ट्रायंगल नहीं बननी क्यों डिफरेंस हमेशा की है छोटा होना चाहिए। सो ऑप्शन डी अपने का की है आंसर है शायद ये क्वेश्चन पेपर 23-64 में शायद ये आया हुआ है ठीक है। सो देखो सम नंबर 13 कि ट्रायंगल गिवन है ट्रायंगल विच ए बी 4 सेंटीमीटर है ए 60 है बी 40 है सी फाइंड करना है सिंपल है कि ट्रायंगल के तिने एंगलों का सम हो जाता है 180 ठीक है तो ए 60 है बी 40 है सी फाइंड करना है 180। सो इन्हों दोनों का प्लस 180 विच्चों माइनस कर दो सो एंगल सी आ गया 80 डिग्री ठीक। सो देखो सम नंबर 14 ये सेम है सम नंबर 12 है बिल्कुल कि गिवन ट्रायंगल बी सी अपने को बेस किन्ना बी सी है कि बी सी किन्ना 6 सेंटीमीटर है बी के उपर एंगल बनता 45। सो इज नॉट पॉसीबल डिफरेंस बिटवीन ए बी माइनस ए सी। सो नॉट इतने भी नॉट लिखता नहीं जो फॉर्मूले अकॉर्डिंग आप गल करिए कि डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज लैस दैन थर्ड साइड फॉर्मूला बनता है बट ऑन क्या नॉट। सो नॉट वास्ते ऑप्शन सिलेक्ट करा जी बी सी तो की होगी वड्डी होगी बी सी तो वड्डी होगी। सो बी सी कि 6 सेंटीमीटर है सो 6 तो वड्डा कौन है 6.9 है। सो ऑप्शन बी अपने का की है आंसर हो गया ठीक है। इस तरीके आप सोच लिया करेंगे सवाल के सम नंबर 15 देखो बाई सैक्टर ऑफ एन एंगल लाइज इन कोई एंगल अपना इस तरह। सो जो आप इस एंगल का बाई सैक्टर करा जो बाई सैक्टर है वह कितने लाई करूँगा एंगल के इंटीरियर मतलब एंगल के अंदर एक्सटीरियर मतलब बाहर एनी वेयर मतलब कितने भी ऑन द आर्म मीन एंगल मतलब ये लाइन के उपर लाइन दे उपर कितने लाई करूँगा। सो देखो जो भी आप किसी एंगल का जो भी आप किसी भी एंगल का बायसेक्टर करते हैं तो वह हमेशा की है एंगल के अंदर ही होगा अंदर मीन इंटीरियर ठीक है। ऑप्शन ए अपना की आंसर तो एक होर रिजल्ट याद करना है इंटरनल तो एक्सटरनल बायसेक्टर करा किसी भी एंगल का ठीक है। इंटरनल तो एक्सटरनल मतलब आ वाला जो आप एंगल बन गया ठीक है इधर पास एक्सटरनल है इधर पास इंटरनल जो इन्हों का आप बायसेक्टर करा वो हमेशा की बनूगा राइट एंगल ही बनूगा ठीक है। वो हमेशा की बन गए राइट एंगल इंटरनल तो एक्सटरनल जो एंगल के बायसेक्टर करा तो वह एंगल की बन गए राइट एंगल ये रिजल्ट भी याद रखना है। ये लास्ट सम अपना देखो द पॉइंट ऑफ अकोरेंस इफ थ्री एंगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड मीन ट्रायंगल है बारे।
सो ट्रायंगल दे तीनों एंगल है, सो इन तीनों एंगलों की बायसेक्टर मतलब तीनों एंगलों जो आप अद कर देंगे तो जोड़े पॉइंट से मिलने, मान लो इस पॉइंट से मिल गए, इस पॉइंट को आप कहने इस पॉइंट को आप कहोगे इन सेंटर। ठीक है, जो आप एंगलों का कर दें बायसेक्टर, ठीक है, जिते एंगल बायसेक्टर मीट करते हैं, मीन तुम कह सकते हो इन सेंटर की हुंदा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर एंगल वेयर मीट एंगल बायसेक्टर्स। ठीक है, जिथे एंगल बायसेक्टर आपस च मिलते हैं वह कहते हैं इन सेंटर होंगे। ठीक है, तो इस तरह ही जेकर आप देखिए ओर्थो सेंटर की होंगे, ओर्थो सेंटर तो सेंट्रोइड, ये बारे भी गल देख लो। ओर्थो सेंटर वो होंगे जिथे ट्रायंगल दे एल्टीट्यूड, मतलब तो मान लो इतने ट्रायंगल एक एल्टीट्यूड है, इतने भी ट्रायंगल एल्टीट्यूड है, इतने भी है, ये एल्टीट्यूड मतलब हाइट इस तरह जा रही है, ये वाली हाइट इस तरह जा रही है, ये वाली हाइट इस तरह जा रही है। सो जिथे तीनों हाइट मिल जाए, जिथे तीनों हाइट मिल जाए आपस, वो कहती है ओर्थो सेंटर। ठीक है, जिथे मतलब अपने की है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल वेयर मीट। ठीक है, मीट करो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जिथे ट्रायंगल की हाइट मीट करना वो की होंगे ऑर्थो सेंटर, तो सेंट्रोइड की है बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, थोड़े फर्क है। देखो जिम्मे ट्रायंगल है, इतने से अपने एल्टीट्यूड, इतने क्या हुआ मीडियन है, एक इतने मीडियन होगा, एक इतने मीडियन है, एक इतने मीडियन है, मान लो आ मीडियन, आ मीडियन, जिथे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर जाना। ठीक है, मीडियन हमेशा ट्रायंगल की साइडों को इक्वल पार्ट डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, तो इतने की है जिथे ट्रायंगल के तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर जान वो की बन जाना अपना सेंट्रोइड। तो इसमें आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ठीक है, हम ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर की होंगे। देखो सर्कम सेंटर आप कह सकते हैं कि आप कोई ट्रायंगल इस तरह, ठीक है, फिर इन्होंने ट्रायंगलों का करता बायसेक्टर, मतलब इन तीनों साइडों करता बायसेक्टर, ये तीनों बायसेक्टर मतलब जो अद्ध है इन्होंने एक लाइन पास कर गई, वो तीनों लाइन इतों मिल गई। सो जिते तीनों बायसेक्टर मिल जाते हैं उत्थे की होंगे सर्कम सेंटर। सो इनू आप लिख सकते हैं सर्कम सेंटर कि इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर, परपेंडिकुलर बायसेक्टर, आप इतों जो ट्रायंगल का पहला बायसेक्ट करा फिर इतों परपेंडिकुलर ड्रा करा फिर यह बायसेक्ट करा इतों परपेंडिकुलर ड्रा करा फिर यह बायसेक्ट करा परपेंडिकुलर ड्रा करा, तो जितों तीनों लाइन मिल जाए वो कि अपने सर्कम सेंटर होंगे। तो सर्कम सेंटर की हैल्प के नाल इतने प्रकार रख के अपने इतों एक सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं, तो इस सर्कल में आप कहोंगे सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल कहोंगे अपने। ओके, सो इन तिना की हैल्प के नाल एक रिलेशन बनता, वो भी देखो कि यह भी याद रखना रिजल्ट आप सेंट्रोइड डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू, मीन जो सेंट्रोइड है वो सर्कम सेंटर ते ऑर्थो सेंटर नू डिवाइड करता 2:1 दे विच। ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट भी पेपर दे पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सो इस नाल अपना चैप्टर जो एमसीक्यू हो गया सारे कंप्लीट है। ओके, कंप्लीट।